गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है अपना चैप्टर चार चल रहा है और आज हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे 4.2, अभ्यास 4.2। कल हमने 4.1 किया था और इसमें क्या था, मौखिक रूप से घटा कर लिखिए और प्रश्न दो था घटाइए, जो आपने हासिल किए थे ये जो आपने कर लिए हैं। और इसमें क्या था, पांच अंकीय संख्याओं का घटा करना है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज है ये 4.2, इसमें क्या है, दो संख्याओं का जोड़ है दिया हुआ है। यदि पहली संख्या हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो आपको इसमें क्या करना है, दो संख्याओं का प्रश्न एक है ये आपका, इसमें दो संख्याओं का जोड़, आपको दो संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है, वो क्या है, 26,206। अब इसमें देखिए, यदि पहली संख्या हो, ये पहली, इसमें पहली संख्या आपको दे दी गई है, पहली संख्या हो, पहली संख्या क्या दी हुई है, 7,932। तो आपको क्या निकालना है, दूसरी संख्या बताइए, दो संख्याओं का जोड़ बता दिया, उसमें से पहली संख्या बता दी, तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्याओं का, दो संख्याओं का जोड़ है, उसमें से पहली संख्या को घटा दीजिए तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो देखिए, दो संख्याओं का जोड़ पहली संख्या, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या, क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या होगी, क्या होगी, आप देखिए इसमें से घटाते हैं, 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचा, 4, 0 में से 3 नहीं घटाए जा सकते, तो क्या करेगा, 0 से हासिल लेगा, तो ये 2 है तो क्या बचा, 1, और ये क्या हो गया, 10, 10 में से 3 घटाए तो क्या बचा, 7, 1 में से 9 नहीं घटाए जा सकते, तो 1 इससे 6 से उधार लेगा, ये हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा, 11, 11 में से 9 घटाए तो क्या बचा, 2, 5 में से 7 नहीं घटाए जा सकते, तो 5 क्या करेगा, इससे हासिल लेगा, ये हो गया 15, और ये क्या बचा, 1, 15 में से 7 घटाए तो क्या बचा, 8, और ये 1 ये आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या क्या हुई, ये संख्या। अब अगर हम चेक करें तो देखो, इस संख्या में आप इसको दोनों को जोड़िए तो आंसर आपका ये आएगा। ऐसे ही प्रश्न दो है, 44,511 में से 35,627 घटाइए। प्रश्न दो है इसमें, प्रश्न दो में आपसे कहा जा रहा है 44,000, मैं इसको अंकों में ही लिख रही हूँ, 44,511, यानी 44,511 में से 35,627 को घटाइए। घटा सकते हैं आप, घटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जब लिखना आ गया तो आप आराम से घटा सकते हैं। तो देखिए कैसे घटाएंगे, 1 में से 7 नहीं घटाया जाएगा तो ये किससे हासिल लेगा, तो ये 0, और ये क्या हो गया, 11, 11 में से 7 घटाए तो क्या बचा, 4, 0 में से 2 नहीं घटाए जा सकते, 0 इससे हासिल लेगा 5 से, तो ये तो हो गया 4, और ये क्या हो गया, 10, 10 में से 2 घटाए तो 8 बचे, 4 में से 6 नहीं घटाए जा सकते, तो 4 इससे हासिल लेगा, ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो गया, 14, 14 में से 6 घटाए तो कितने बचे, 8, 3 में से 5 नहीं घटाए जा सकते, 3 इससे उधार लेगा हासिल, तो ये हो जाएगा 13, और ये 3, 13 में से 5 घटाए तो कितने बचे, 8, 3 में से 3 घटाए तो क्या बचा, 0। इस तरह से प्रश्न 1 और 2 हो गए हैं। फिर प्रश्न 3 क्या है, एक भंडार में 40,000 गेहूं की बोरियां थी, पहले महीने में 14,869 और दूसरे महीने में 17,332 बोरियां बिक गईं, तो बताइए अब भंडार में कितनी बोरियां शेष हैं। तो क्या करना है, इसी तरह से आपका प्रश्न 4 भी है, देखिए एक व्यक्ति को 50,000 रुपये मिले, उसने 13,304 रुपये बेटी के तथा 11,237 रुपये अपने बेटे के एडमिशन में खर्च कर दिए, बताइए उनके, उसके पास कितने रुपये शेष बचे। दोनों क्वेश्चन जो प्रश्न 3 और 4 हैं, इनका करने का एक ही मेथड है। तो कैसे किया जाएगा, देखिए बता रही हूँ मैं, ये प्रश्न 4 मैं यहाँ पे कर रही हूँ, प्रश्न 3 यहाँ
विचार आप खुद करेंगे। देखिए गेहूं की बोरियां कितनी हैं, 40,000। पहले महीने में उसने 14,869, दूसरे महीने में 17,332 बोरियां बिक गई उसकी, तो बताइए उसके पास कितनी शेष बची। तो क्या करना है हमें इसके लिए, देखिए इसको हम इधर ही करते हैं, प्रश्न तीन को हम यही करेंगे, प्रश्न दो हो जाइए, दो हो गया है और तीन को हम करते हैं। कैसे करना देखिए, प्रश्न तीन है आपका, प्रश्न तीन में देखिए भंडार में गेहूं की बोरियां, प्रश्न तीन है ये, गेहूं की बोरियां कितनी है, 40,000। कितनी है, 40,000। फिर पहले महीने में उसने बेची, पहले महीने बिकी, कितनी बिकी, 14,869, और दूसरे महीने बिकी कितनी बिकी, 17,332। ठीक है, अब क्या करना है हमें, शेष बोरियां बतानी है, तो शेष बोरियां कितनी बची, शेष बोरियां है तो क्या करना है, 40,000 में से इनको घटाना है, किनको, 14,869 प्लस 17,332, इन दोनों को जोड़िए, पहले महीने और दूसरे महीने की बोरियां जो उनको जोड़िए और उसमें 40,000 में से घटाइए। तो अब इनको यहाँ जोड़ेंगे, 14,869 में 17,332 को जोड़ना है पहले, तो जोड़ते हैं, 9 और 2 11 का 1, हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2, हासिल 1, 4 और 1 5, 7 और 5 12 का 2, हासिल 1, और ये 3 हो गए। पहले महीने और दूसरे महीने में जितनी बिकी वो ये हो गई, अब इनको 40,000 में से घटाना है, 32,201 घटाइए। ये आप देखिए जीरो में से एक नहीं घटेगा, तो पहले तो ये जीरो इससे लेगा, ये 4 है तो ये तो हो जाएगा 3, ये 10 हो गए, 10 से इसने ले लिया तो ये हो गया 9, ये 10 हो गया, ये 9, ये 10 से इसने ले लिया, ये 9 और ये 10, 10 में से एक घटाया 9, ये 9 बचा, 9 में से 2 घटाया 7, 9 में से 2 घटाया 7 और ये 0, यानी शेष बोरियां कितनी बची, उत्तर क्या होगा, 7,799 बोरियां शेष बची। ठीक है, तो आपको अभी प्रश्न 4 आप खुद करेंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है डू एक्सरसाइज 4.2 इन नोटबुक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये वर्क कम्प्लीट